आनंद मार्ग उच्च विद्यालय आनंद शिला चामा में विद्यालय का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय के प्राचार्य पवन कुमार महतो ने बताया कि इस वर्ष भी वार्षिक परीक्षा के परिणाम बेहतर रहे। 80% से अधिक बच्चों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए और वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में भी बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य वक्ता आचार्य परमेश्वरानंद अवधूत ने संबोधित करते हुए कहा कि आनंद मार्ग सा विद्या या विमुक्ति के सिद्धांत को आधार मानते हुए तीनों क्षेत्रों में बच्चों की क्षमता का विकास शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक। हमारी शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा और आदर्श जीवन जीने की कला पर विशेष जोर दिया जाता है। नैतिकता का अभ्यास सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए। शिक्षा को अध्यात्म से जोड़कर छात्रों का सर्वांगीण विकास एवं विश्व बंधुत्व की भावना के साथ साथ शिष्टाचार एवं सभी प्राणियों के प्रति करुणा की व्यापक भावना को जागरूक करना है, जिससे बच्चों भविष्य में समाज में नैतिकता के स्तर में नेतृत्व कर सके। आनंद मार्ग प्रचारक संघ के इरोज सेक्रेटरी आचार्य रशोभाषानंद अवधूत ने कहा कि संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र रूप का नाम है, जो समाज के सोचने विचारने कार्य करने खाने पीने बोलने नृत्य गायन साहित्य कला वास्तु आदि में परिलक्षित होती है। संस्कृति का वर्तमान रूप किसी समाज के दीर्घकाल तक अपनाई गई पद्धतियों का परिणाम होता है। इस वार्षिक उत्सव में विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया।